इंडिविजुअल के लिए आयकर रिटर्न यानी आईटीआर दाखिल करने की आज आखिरी तारीख है। इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट पर आज रात के बाद से आप आईटीआर तो दाखिल कर पाएंगे, लेकिन आपको इस पर 5,000 रुपए का जुर्माना और इस पर ब्याज भी देना पड़ेगा। इतना ही नहीं, देर से आईटीआर दाखिल करने पर आपको अतिरिक्त शुल्क सहित कई बड़े गंभीर परिणाम भी भुगतने पड़ सकते हैं। तय तारीख तक आईटीआर दाखिल ना करने से कुछ टैक्स लाभ और छूट से भी हाथ धोना पड़ सकता है, साथ ही आपकी टैक्स देनदारी भी बढ़ सकती है। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि 31 जुलाई तक आईटीआर भरना जरूरी क्यों है। सबसे पहले, देर से आईटीआर दाखिल करने पर कई तरह के दंड का सामना करना पड़ सकता है। उसके बाद 5 लाख से अधिक आय वालों के लिए इस पर 5,000 रुपए जुर्माना होगा। वहीं 31 दिसंबर 2023 के बाद जुर्माना 10,000 रुपए हो जाएगा। अगर आपने समय पर रिटर्न नहीं भरा तो प्रति माह आप पे 1% ब्याज लगेगा। चलिए अब जानते हैं कि अगर आपने अपनी आय के बारे में गलत जानकारी दी तो आपको किन परिणामों का सामना करना पड़ सकता है। आय जानकारी छुपाई तो 50% से 200% तक का जुर्माना लग सकता है। उसके बाद टैक्स का भुगतान नहीं करने पर आपके ऊपर मुकदमा चल सकता है। वहीं चोरी किया गया टैक्स 25 लाख से अधिक है तो 7 साल की जेल भी हो सकती है। अब ये जानना भी जरूरी है कि आईटीआर भरने के लिए कौन से फॉर्म सही है। आईटीआर फॉर्म नंबर 1, आपकी आय 50 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। आईटीआर फॉर्म नंबर 2, हिंदू अविभाजित परिवारों पर ये फॉर्म लागू होता है। आईटीआर फॉर्म नंबर 3, जिनकी साझेदारी या मालिक के रूप में व्यवसाय या पेशे से आय होती है। आईटीआर फॉर्म नंबर 4 HUAF और फर्म्स पर लागू होता है जिन्होंने धारा 44 AD या 44 AI के तहत अनुमानित कराधन का विकल्प चुना है।